आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कमर्शियल प्लॉट्स इन बहरिया टाउन फेज 8। बहरिया टाउन फेज 8 क्या है, इस टाइम पे इसका माजी क्या था और फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरह से आप यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, टाइटल इंडियन बुक के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ अंसर मलिक और आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कमर्शियल प्लॉट्स इन बहरिया टाउन फेज 8। बहरिया टाउन फेज 8 क्या है, इस टाइम पे इसका माजी क्या था और फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरह से आप यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। बहरिया टाउन फेज 8 जो कि रावलपिंडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ 8 फेजेज हैं, जिनमें से जो पहले 7 फेजेज हैं उनमें से जो सबसे बड़ा फेज है वो आपका बहरिया फेज 8 है। मलिक राजू सेन हमेशा से फ्यूचर को देखते हुए कि फ्यूचर में यहाँ पे किस तरह की चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ें इस्टेब्लिश होंगी, किस तरह से बिज़नेस लोगों का ग्रो करेगा, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो कोई भी नई चीज़ आपके पास लेके आते हैं। अब फेज़ 8 इतना बड़ा क्यों है, वहाँ पे क्यों इस टाइम इतनी ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपका जो क्योंकि साथ ही आपके ट्विन सिटीज़ के अंदर जो आपका कैपिटल के अंदर इतनी ज़्यादा प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स की वजह से जब आपके बिज़नेस के अंदर आपको लॉसेस होते हैं, वहाँ पे एक दिन के स्ट्राइक के ऊपर भी आपको मिलियंस का लॉस जो है वो बियर करना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों के बाद आपका जो अब ये सारा जो आपका कमर्शियल है या जितने भी आपके बिज़नेस टाइप होंगे ये मूव कर रहे हैं बैरियर फेज 8 की तरफ। उसकी रीज़न ये है, आपका एयरपोर्ट जो था वो अब चक्री रोड के ऊपर बन चुका हुआ है, ठीक है, जो कि रावलपिंडी शहर से बाहर है काफ़ी। अब उसको एक्सेस करने के लिए डेफिनेटली फ्यूचर में उस तरफ सोसाइटीज़ भी आ रही हैं, चिपली रोड के ऊपर आपकी जो सिटीज़ हैं वो एक्सटेंड हो रहे हैं, लोगों की आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है शहरों से बाहर और आपके शहर जो हैं वो दिन ब दिन आपके जो हैं मज़ीद एक्सपेंड होते जा रहे हैं। लेकिन अभी फेज़ 8 बैरियर जो है एक इसके अंदर इसका क्या सिनेरियो है इस टाइम पे, क्योंकि आपका जो रिंग रोड गुजर रहा है जितनी भी वो चकबेली या जितनी भी आपकी जो शुरू होता है वहाँ से बांट वगैरह से, अब वो जितने भी इसके दरमियान इंटरचेंजेस आ रहे हैं कोई वो एक वेल नोन टू फेमस नहीं है इस टाइम के ऊपर। आपका जो मेन आपका एक्सेस आ रहा है वो बैरियर फेज़ 8 आ रहा है। बहरिया में जो उसको आपका इंटरचेंज मिलना है उसकी वजह से आपका एयरपोर्ट से लोगों का जो मूवमेंट है वो आपकी डायरेक्ट फेज 8 की तरफ होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और फ्यूचर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप देखा जा रहा है। अभी फेज़ 8 के अंदर अगर कमर्शियल प्लॉट्स की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ टाइम पहले कमर्शियल की डील्स आई थी जो कि 6 करोड़ 75 लाख में थी, जो कि 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर थी और वो उसमें लोगों ने बाइंग की, उसमें डाउन पेमेंट की, कुछ इंस्टॉलमेंट्स दी। अभी तक वहाँ पे अभी वो डील कंप्लीट नहीं हुई, अभी तक 2.5 से 3 साल हुए हैं उस डील को और अब उसी प्लॉट की जो प्राइस है कमर्शियल प्लॉट की आपकी फेज़ 8 के अंदर वो आपको 20 से 22 करोड़ में आपको डिमांड किया जा रहा है। तो मतलब विद इन 2-3 ईयर्स आपके पास आपकी प्रॉपर्टी में आपकी कमर्शियल ने 10-10, 15-15 करोड़ लोगों को कमा के दिए और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप मार्केट के अंदर चीज़ें हो रही हैं आज भी इस रेट्स के ऊपर जो है सेलिंग और बाइंग हो रही है, क्योंकि इस कदर वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी हो चुकी है, इतने मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। स्पेशली आपका जो फेज़ 8 के अंदर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके सराउंडिंग में अगर आप लेक जंक्शन से आते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी और आप लेफ्ट साइड से अगर मूव करते हैं और अपवर्ड्स आप जाते हैं इकबाल जंक्शन की तरफ, आपको सारा कमर्शियल नज़र आएगा और कोई छोटी मोटी हाइट्स या प्लाजे नहीं बन रहे बल्कि बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हाई रेंस बिल्डिंग्स वहाँ पर बन रही हैं। बात की जाए तकरीबन ऑलमोस्ट वहाँ पे 70+ जो है वो इस टाइम पे वहाँ पे आपको चीज़ें या तो किसी की कंस्ट्रक्शन हो रही है, किसी में फिनिशिंग हो रही है, मतलब वहाँ पे 70+ इस टाइम पे काम कर रहे हैं, आपको नज़र आएंगे फिज़िकली वहाँ पे इन चीज़ें आपको कमर्शियल बनते हुए। तो इस कदर ज़्यादा कमर्शियल एक ही जगह पे आना उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि लोगों को नज़र आ रहा है वहाँ पे कि उसका फ्यूचर में क्या आपको रिस्पॉन्स मिलना है। आप कमर्शियल प्लॉट्स की तरफ आ रहे हैं तो आपको वहाँ पे कुछ ही सालों के अंदर आपको करोड़ों वहाँ पे मुनाफा हो रहा है, इसी तरह आप किसी कमर्शियल एक्टिविटी कमर्शियल शॉप की तरफ जाना चाह रहे हैं, कोई अपार्टमेंट्स की तरफ जाना चाह रहे हैं तो सेम आप वहाँ पे भी एक अच्छा उसमें आउटपुट गेन कर सकते हैं। अभी बेसिकली मैंने जिस वीडियो में बताना था आपको 28 मरला कमर्शियल की एक डील है जो कि ऑन ग्राउंड डील है, उसकी प्राइस जो है वो 1 करोड़ 40 लाख है, बैरियर फेज 8 के अंदर है और जिसमें आपको 75 लाख उसकी डाउन पेमेंट है और बाकी 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा आपको 65 लाख रुपया उसके जो रिमेनिंग आपने पे करना होगा, तो 6 मंथ में आप उसको पे करके आप उस पर जो है ना वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, कोई डील कोई फाइल टाइप नहीं है, आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं, नंबर के साथ आपको प्लॉट मिलेगा और 75 लाख डाउन पेमेंट के ऊपर मिलेगा। 28 मरला कमर्शियल ये उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा लो बजट में रहते हुए कमर्शियल प्लॉट्स में बाइंग करना चाह रहे हैं। ये बेसिकली कमर्शियल प्लॉट्स अगर बैरिया टाउन लाहौर है, कराची है, किसी भी जगह पे है तो हर कमर्शियल में आपके विद इन 2-3 मंथ्स आपको इसमें अच्छा एक जो है ना वो
ऑन चलना शुरू हो जाता है और बड़े ही लोग इसके ऊपर जल्दी जो है ना वो एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। बैरियर फेज रेट वैसे ही वहाँ पे इतनी ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है उसका वैसे ही काफ़ी नाम है, हर बंदा चाह रहा है कि मैं किसी कमर्शियल कमर एक्टिविटी करूँ। तो ये एक लो बजट कमर्शियल है बैरियर फेज रेट के अंदर, 28 मल्ला ऑन ग्राउंड प्लॉट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके कुछ ही टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर के लिए देख रहे हैं तो फ्यूचर मैंने आपको बताया रिंग रोड की वजह से जब आपका एयरपोर्ट को जितना भी सारा आपका बिजनेस आइकॉन है वो फेज रेट की तरफ मूव कर रहा है, जब एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी तो वहाँ पे डेफिनेटली आपका हर जो बिज़नेस है वो ग्रो करता है। आपका जो सिविक सेंटर है फेज 4 के अंदर वो एक छोटा सा है लेकिन आपको लाहौर इस्लामाबाद के लोग बखूबी जानते होंगे कितना वो एक हर टाइम वहाँ पे रश होता है, कितनी ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हालांकि वहाँ पर उतने मेगा प्रोजेक्ट्स या हाई रेस बिल्डिंग्स नहीं हैं लेकिन उसके अगेंस्ट आप इधर आकर फेज 8 में देखते हैं तो यहाँ पे हाई रेस बिल्डिंग्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट हैं, 10-10, 20-20, 30-30 कनाल के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और टॉलेस्ट बिल्डिंग्स बन रही हैं। इसके अलावा सेकेंड इसी को जो है फ्यूचर में आपको ब्लू एरिया भी कंसिडर किया जा रहा है जो कि फेज 8 का एरिया है। तो जो लोग इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कमर्शियल के अंदर तो हमारे पास डिफरेंट और भी ऑप्शन मौजूद हैं, आप लो बजट कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर भी आप बाइंग कर सकते हैं। तो जो लोग बैरियर टाउन फेज एट के अंदर किसी भी रेजिडेंशियल कमर्शियल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या वहाँ पर मुझे इस डील के बारे में या बुकिंग करवाना चाह रहे हैं आप स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप और ईमेल भी अवेलेबल है फॉर ओवरसीज़ क्लाइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।